सो हे गाइस, दिस इज सुपरमैन। आज हम देखने वाले हैं क्या डुप्लीकेट की से गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाली रही डुप्लीकेट की और ये वाली रही ओरिजिनल की। तो सबसे पहले डुप्लीकेट की से देखते हैं कि क्या होता है। तो डुप्लीकेट की को यहाँ पर लगाना है और घुमाने से पहले न्यूट्रल कर लेना है। तो घुमा के देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ताला चाबी वाला आइकन आ गया है। इसका मतलब है कि इसमें इसमें इमोबिलाइजर नाम का एक सर्किट फिट है, जिसके वजह से गाड़ी पहचान सकता है कि आपने एक डुप्लीकेट की यूज की है कि नहीं की है। ठीक है, तो अभी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये पहचान चुका है कि डुप्लीकेट की यूज हो रही है, तो गाड़ी स्टार्ट होने नहीं देगा। स्टार्ट करके देखते हैं घुमा के। सेल्फ ले रहे हैं पर स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं ओरिजिनल की से क्या होता है। तो इसको निकालते हैं और ओरिजिनल की को डालते हैं। कहाँ गया? घुसना, किधर गया? ठीक है, तो 1, 2, 3। अच्छा 3। अभी देख सकते हैं आप, ये जो भी आइकन था वो ब्लिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिनल की पहचान चुका है। तो ऑन करते हैं इसको। ये ऑन हो चुका है और रेस देते हैं थोड़ा और इसे ऑफ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे डुप्लीकेट की से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इस की से। ठीक है, तो इसको आपको लगाना है इधर और इसको टर्न करना है, और टर्न नहीं करना है क्योंकि अगर आप फिर से टर्न करेंगे तो ये स्कैन करेगा की को और डुप्लीकेट बता देगा। तो हमको उसे ऑफ करके रखना है और ओरिजिनल चाबी को इसके पास रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये ब्लिंक नहीं कर रहा है और ये अब डुप्लीकेट की से आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 3 देख सकते हैं कि आराम से चालू हो चुका है और इसे बंद करते हैं। और अगर फिर से इसे घुमाएंगे तो कुछ ऐसा सीन आएगा, या फिर से स्कैन करेगा और उसे डुप्लीकेट की बता देगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या पता चलता है। कहाँ गया कैमरा? इधर। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप अपनी गाड़ी को डुप्लीकेट की से चालू कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ज्यादातर गाड़ी डुप्लीकेट की से चालू नहीं होगी और ज्यादातर गाड़ी जो कि नई नई जमाने की है वो तो बिल्कुल चालू नहीं होने वाली, क्योंकि उसमें लगा रहता है ECM जो कि देखता है कि आपकी चाबी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे किया भी जा सकता है, बस आपको एक कंप्यूटर की जरूरत है जो कि 1 लाख के करीब का आता है, जो कि आपके गाड़ी को फिर से प्रोग्राम कर सकता है नई की के साथ, जो कि आप नहीं करना चाहेंगे। तो इसका जवाब अभी भी नहीं है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप डुप्लीकेट की से गाड़ी को चालू नहीं कर सकते। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और चलिए मिलते हैं, बाय।